हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, ये निपको निपको में रिक्रूटमेंट निकला है। अगर आपके पास बीटेक है, या आपके पास डिप्लोमा है, या आपके पास एमबीए की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है और ये मिनीरत में आता है। निपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है? ये हाइड्रो पावर कंपनी है और ये भारत सरकार से संबद्ध है, ठीक है? अब इसमें देखें, इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है इंजीनियर के लिए, एमबीए वालों के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए। अब ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली इन्होंने जूनियर इंजीनियर में, और वहीं पर अप्रेंटिस के लिए भी इन्होंने निकाला है। अगर आप अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर में, डिप्लोमा इंजीनियर में, या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आप एज ए अप्रेंटिसशिप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और किस तरह अप्लाई करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अब आपको मैं आपको बता दूं कि पूरा नोटिफिकेशन क्या है इनका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ये जूनियर इंजीनियर की है। इसके बाद इसमें इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, ठीक है? आपने अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है 3 साल का, या पॉलिटेक्निक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका वेतनमान जो रहेगा पे स्केल, इन्होंने देख लिया 29,300 से लेके 1,19,700, तकरीबन 90 से 95 हजार सैलरी आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी, ठीक है? अब इसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 5 वैकेंसी है। जनरल की एज लिमिट इन्होंने 30 साल मांगी है, ओबीसी के लिए 33 साल है, एससी के लिए 35 साल है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30 साल है। अब क्वालिफिकेशन में बताई चुका, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई ये एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। एज ए फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है? अब आप देख लीजिए, बीटेक और एमबीए वालों के लिए आपको क्या करना है, उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, जो निपको में बीटेक वालों के लिए और एमबीए वालों के लिए मांगा गया है, उसमें क्या मांग रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए पोस्ट निकले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। देखिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इन्होंने निकाली है। और आप किसी ब्रांच से हैं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस निकली है, इसमें ये एमबीए मांग रहे हैं। एमबीए किया हो आपने, या तो सीए किया हो, ठीक है? पे स्केल देख लीजिए, 50,000 से लेके 1,60,000 का है आईडीए। इसमें जनरल के लिए 11 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, पीडब्ल्यूडीएस के लिए 1 है, ठीक है? एज लिमिट वही जनरल के लिए 30 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है। एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो दी जाएगी। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी इसमें एमबीए मांग रहे हैं ये। जनरल के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, टोटल 2 वैकेंसी निकली है। वहीं असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी, इसके लिए सीए मांग रहे हैं ये। इसमें 1 वैकेंसी है जनरल के लिए, टोटल 1 वैकेंसी है ये, ठीक है? अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने किया हो, या बीएससी इंजीनियरिंग है आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2022 का गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपने 2022 में गेट पेपर दिया है और उसमें आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मत करिएगा। और वहीं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस की बात करें, तो मस्ट हैव पास द फाइनल एग्जाम ऑफ सीए, ठीक है? अगर उन्होंने सीए का फाइनल एग्जाम दिया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए मांग रहा है ये, एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है ह्यूमन रिसोर्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ लिंक मैंने दे दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी लास्ट डेट आप देख लीजिए क्या है, इसकी लास्ट डेट देख लीजिएगा आप, इसी में पड़ी हुई है, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है? चैनल पे आप पहली बार आए और आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ के आपका कोई फायदा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।